हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 101 का यूनिट फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में। आरंभिक मानव समाज किस प्रकार का था, कैसे विकसित हुआ, विकसित होने की प्रक्रिया क्या थी, उसको हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, इसको हम टोटल चार पार्ट में कवर करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, ये पार्ट वन रहने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे कि एमए हिस्ट्री का जो कोर्स है जुलाई 2023 से, इसके अंदर में कुछ बदलाव किया गया। अगर आप एमए हिस्ट्री का कोर्स करने जा रहे हो जुलाई 2023 से इग्नू से, तो आपको एमए हिस्ट्री के कोर्स के अंदर में कुछ बदलाव नजर आएगा। क्या बदलाव किया गया? जुलाई 2023 से जो भी स्टूडेंट पहले से इनरोल है एमए हिस्ट्री कोर्स के लिए इग्नू के अंदर में, तो उनका पूरा कोर्स एनुअल मोड के अंदर में उनको दिख जाएगा। और वहीं पर अगर जुलाई 2023 में कोई न्यू एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो उसको एमए हिस्ट्री का कोर्स सेमेस्टर मोड के अंदर में मिलने वाला है। साथ साथ में एमए हिस्ट्री के सिलेबस में भी कुछ चेंज किया गया, कुछ नए बुक्स को ऐड किया गया। साथ साथ में जो बुक बहुत ज्यादा लेंथी थे, उसको पार्ट्स में बांटा गया, दो पार्ट में कर दिया गया। कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया गया, जो पुराने चैप्टर थे बहुत ज्यादा लेंथी थे, उनमें से उनको छोटा किया गया, एक्स्ट्रा टॉपिक को हटाया गया, कुछ नए टॉपिक को उसमें डाला गया और चैप्टर को रीअरेंज किया गया, ऊपर नीचे करके रीअरेंज किया गया। तो हमारा ये यूनिट फर्स्ट होने वाला है। यहाँ से हम जो हमारी बुक है एमएचआई 101 इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो आपका पुराना सिलेबस था, उसको हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। वहां पे तो दो ढाई साल से हम वीडियो बना ही रहे हैं, तो वहां पे कवर हो चुका है। यहाँ पे हम इसकी शुरुआत आज की इस वीडियो से करने जा रहे हैं। बट एक आपको इसके साथ साथ में आपको माइंड में ये भी चीज रखना है कि जो आपका ये बुक है एमएचआई 101, इसकी कोई भी अभी सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे हार्ड कॉपी हो मार्केट के अंदर में, चाहे आप कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक की बात करो, चाहे इग्नू की बात करो, अभी कोई भी बुक मार्केट के अंदर में अवेलेबल नहीं है। जो हमारा पुराना वाला सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग में ऑलरेडी मैं यहाँ से यूनिट 4 से लेकर यूनिट 12 तक का जो लेसन है, मैं करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि यूनिट 4 से लेकर यूनिट 12 तक की वीडियो देख ले। सिर्फ हमारी स्टार्टिंग के तीन लेसन की रह गई थी वीडियो, यूनिट 1, 2, 3। यूनिट 1 मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। आज का जो हमारा पहला पार्ट है, जिसके अंदर हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन के बारे में, मानव का उद्भव किस प्रकार से हुआ, मानव का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जिसमें हम बात करने वाले हैं होमो नीड से लेकर होमो सेपियंस सेपियंस तक होने वाले क्रमिक विकास का। होमो सेपियंस सेपियंस क्या है? जो आज का आधुनिक मानव है, जिस प्रकार का मैं दिखता हूँ, जिस प्रकार का आप हो, आपके आसपास का जो समाज है, जिस तरह का आज का मानव दिखता है, उसको हम होमो सेपियंस सेपियंस के तौर पर जानते हैं। चलिए, चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत था जो जैविक क्रमिक विकास के ऊपर निर्भर था, ठीक है, जो 1860 में लाया गया था। चार्ल्स डार्विन ने जैविक क्रमिक सिद्धांत दिया था, जैविक क्रम विकास का, कि किस तरह से सजीवों के अंदर में विकास हुआ। आज जो मानव का स्वरूप है, क्या पहले भी ऐसा था? पर आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि मानव जो है बंदर से आया, पहले बंदर के फॉर्म में था, धीरे 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 परिवर्तित होता चला गया, खड़ा होना सीखा, धीरे धीरे चलना सीखा, चलते चलते दो पैरों पर चलना सीखा, हाथों का उपयोग करना सीखा, और आज के हम ये मानव के रूप में आ गए। तो ये क्या हुआ? जैविक क्रम विकास हुआ, एक क्रम के पद्धति के आधार पर किस तरह से विकसित हुए, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, आप एक बुक का नाम बताइए, चार्ल्स डार्विन के उस बुक का नाम बताइए जिसमें जैविक क्रम के विकास के सिद्धांत को बताया गया, उस बुक का नाम क्या है? कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो अक्सर पूछा जाता है चार्ल्स डार्विन के बुक का नाम क्या था, ठीक है, जिसमें जैविक क्रम के सिद्धांत को बताया गया था। और सबसे पहला यहाँ पे व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन, जिसने जैविक क्रम के सिद्धांत को प्रूव किया और उसके ऊपर में बात किया कि किस तरीके से मानव का विकास हुआ या फिर कोई भी सजीव चीज है उसका विकास किया। यहाँ पे मैं एक आपको वीडियो भी रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी जितने व्यूवर्स हैं, उन्होंने ध्रुव राठी का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था ओरिजिन ऑफ ह्यूमन के बारे में, कि किस तरह से मानव का विकास हुआ, किस तरह मानव का पूरा चयन, जो आज के समय में आधुनिक मानव हम देखते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस जिन्हें हम बोलते हैं, किस तरह से विकसित हुआ, उसके बारे में उन्होंने दो पार्ट में बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरूर उसको देखें, नहीं तो आप 11th की बुक को भी पढ़ सकते हो। 11th के बुक के अंदर में ह्यूमन के विकास को बहुत डिटेल में दे रखा है, जबकि आपका एमए की हिस्ट्री की बुक कर रहे हो, एमए हिस्ट्री की बुक में उतना डिटेल में नहीं है जितना 11th की बुक में डिटेल में दे रखा है। या फिर आप जो एमएचआई 01 की जो बुक थी पुराने वाले सिलेबस की, उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले चैप्टर को पढ़ सकते हो, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। यहाँ पर मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ, जितना आपके बुक में दे रखा है उतना ही यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। चार्ल्स डार्विन ने 1860 में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम जैविक क्रम के विकास के सिद्धांत के तौर पर जानते हैं, जिसके अंदर में हमें ये पता चला मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, विकास का स्तर किस प्रकार का था, कैसे कैसे विकसित हुआ मानव। जिसमें आप बात करोगे कि नर वानर, जो वानर के रूप में, जो बंदर के रूप में मानव था, उसको मानव बनने में ऑलमोस्ट 60 मिलियन वर्ष लग गए।
ठीक है, जो आज हमारा स्वरूप है इसको बंदर से मानव होने होने में 60 मिलियन वर्ष का टाइम लगा, ये हमें पता चलता है। जैविक अनुवांशिक आंकड़ों के आधार पर हमें ये भी पता चला कि 5 से 6 मिलियन पूर्व होमोनीडेड और पोगिडे करके, पोगिडे करके अलग अलग शाखाएं हुई थी। ठीक है, जैसे आपने ट्री देखा होगा, ट्री के अंदर में जैसे ये पेड़ की शाखा होती है कि इसमें ये ऐसे ऐसे करके शाखा होती है ना, सेम इसी तरह से मानव के अंदर में भी विकास हुआ कि पहला ये वाला बंदर था, बंदर से आगे हुआ विकसित, उसके अंदर में से ये निकला, इसके अंदर में से ऐसे विकसित हुआ, फिर इसके अंदर में से ये निकला, इसके ऐसे, सेम इसी तरीके से मानव का भी विकास हुआ। तो जैसे आप देखोगे 5 से 6 मिलियन वर्ष पूर्व देखोगे तो जो जैविक अनुवांशिक आंकड़े मिलते हैं उसके आधार पर ये पता चला कि होमोनीडे करके एक व्यक्ति, मतलब जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, अवशेष मिले, उसके आधार पर ये पता चला कि होमोनीडे करके थे, उसी का शाखा पोगिडे करके निकला, दो अलग, होमोनीडे में से पोगिडे निकला, मान के चलो यहाँ पे होमोनीडे है और इसी में से जब आगे निकला तो एक शाखा निकल कर चला गया जिसे हम पोगिडे के नाम से जानते हैं। पोगिडे जो था पश्चिम और मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में पाया गया और वहीं तक सीमित रह गया, वो नम क्षेत्र था, नम क्षेत्र तक ही सीमित रहा, उसका ज्यादा विस्तार हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं पर आप बात करोगे होमिनीडे के बारे में तो पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के बड़े बड़े खुले परिवेश में रहा और उसका विस्तार आपको बड़े क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाता है। नए परिवेश में अनुकूल में वे अपने ढलने लगे, जो भी परिवेश में, जिस परिवेश में वो रहना शुरू किया वहां पे वो ढलने लगा, नए परिवेश में वो इजिली अपने आप को ढाल सकता था। ठीक है, और मुख्य रूप से वो उसी क्षेत्र में उनके अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, जिसका हम बात करें होमोनीडे की, होमोनीडे का जो अवशेष आपको मिलेगा पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के बड़े खुले परिवेश में देखने के लिए मिल जाता है और जितने भी अवशेष मिले सिर्फ वहां पे दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों से ही मिले हैं। इनकी खासियत क्या थी कि ये जिस क्षेत्र में भी रहे वहां पे उन्होंने अपने आप को उस क्षेत्र के अनुसार ढाला। ठीक है, उसके अनुसार उन्होंने अपने आप को ग्रो किया। ठीक है, यही होमोनीडे की अगर बात करोगे तो 3.4 से लेकर 4 मिलियन वर्ष के पूर्व तक यहाँ पे दो पैरों पर चलने लग चुके थे। ये जो होमोनीडे थे इनका अगर पैर पे चलने की जो स्थिति देखोगे तो 3.4 से लेकर 4 मिलियन वर्ष पूर्व इन्होंने पैर पे चलना शुरू कर दिया था। साथ साथ में जो मनुष्य की जो प्रक्रिया थी, जो मानव का मनुष्य बनने की प्रक्रिया किस प्रकार से बना, तो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण के तौर पर देखा गया जब मनुष्य दो पैरों पर चलना शुरू किया। आज भी आपने आसपास में बंदरों को देखा होगा तो बंदर क्या चारों पैरों पर चलते हैं पर हाथों का भी उपयोग कहीं ना कहीं करते हैं, पर वहां पे दो पैरों पे चलना स्टार्ट करना, ठीक है, एक बड़ा इंप्रूवमेंट माना गया कि हाँ चलो यहाँ से मानव का उद्भव का एक चरण स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ पे देखा गया। साथ साथ में खड़े होकर चलने से लेकर होमोनीड के जो शारीरिक बनावट था उसके अंदर में भी परिवर्तन देखा गया कि किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे हाथ उनके फ्री होते चले गए। जैसे अब देखो वो चार पैर पे चलते थे तो उनका चारों पैर, मतलब चार पैर पे चल रहे हैं तो दोनों आगे वाले पैर भी बिजी हैं, पीछे वाले पैर भी बिजी हैं, चलने में बिजी हैं, पर अगर वो दो पैर पे चल रहे हैं तो उनका दोनों हाथ फ्री हो गया जिससे वो अपने हाथों का भी उपयोग करने लगे और अलग अलग तरह की चीजें पकड़ने के लिए, ठीक है, औजारों को रखने के लिए अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करने लगे और आज हम अपने हाथों का उपयोग कर पाते हैं। वहीं पर हम आगे बात करें तो 3.5 मिलियन वर्ष से लेकर 1.5 मिलियन वर्ष तक की अगर बात करोगे तो ऑस्ट्रेलियोलिथपक्स करके यहाँ पे आ जाता है, नया जीव मिलता है जो होमो के बीच में अंतर पाया जाता है, दोनों के बीच में यहाँ पे अंतर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे जीवों के नाम आते हैं। ठीक है, ये सारे वानर से ही, नर वानर जो थे उन्हीं के से निकलते हुए बने, उनके अंदर में से जो ट्री होता है जैसे एक पेड़ में से ऐसे ऐसे करके जो यहाँ पे निकलता जा रहा है ना उसके हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो होमोनीडे यहाँ पे था, यहाँ से होमोनीडे के बाद होमो ऑस्ट्रेलियोलिथपस आ गया, होमो आ गया, तो जितना ज्यादा आगे बढ़ते चले गए ना, जितना ज्यादा, जितना नीचे आओगे उतना वो बानर के समान मिलेंगे। ठीक है, जितना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर उसका बढ़ेगा शाखा, वो उतना ज्यादा जो इंसान है, आज का इंसान है, आधुनिक मानव है, उससे मिलता जुलता हुआ हमें मिलने वाला है। जैसे 3.5 मिलियन वर्ष से लेकर 1.5 मिलियन वर्ष की अगर आप बात करोगे तो ऑस्ट्रेलियोलिथपस और जो होमो था, जो मानव जैसा, काफी बीच में, दोनों के बीच में अंतर पाया जाता था पर काफी हद तक ह्यूमन जैसा देखने के लिए मिलता था। यहीं से इनकी एक शाखा विकसित होती है, ऑस्ट्रेलियोलिथपस और होमो के बीच में से एक शाखा विकसित होती है जिसे हम होमो हैबिलिस के नाम से जानते हैं। ये काफी ज्यादा विकसित शाखा के तौर पर जानी गई जिसने सबसे पहले औजार बनाने का काम किया। औजार बनाने का काम किसने किया? होमो हैबिलिस ने किया। अब देखो ऑस्ट्रेलियोलिथपस की बात करो, होमो की बात करो, कहीं ना कहीं इनके अंदर में मानवों के लक्षण थे। अब देखो जैसे आपने इस तरीके से समझो, आपके पास पहले जो, अगर आप 10 साल पहले जाते हो तो 10 साल पहले एक नोकिया का पहले आपके पास पुराना फोन था। ठीक है, उस फोन से भी क्या होता था, कॉलिंग की जाती थी। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया गया, उसी पेड़ के अंदर फोन ही है ना, आज भी जो आप यूज करो फोन ही है। ठीक है, उसके अंदर में इंप्रूवमेंट किया गया, धीरे धीरे वहां पे एक नई कंपनी आई जिसने क्या किया उसको टच पैड में बदल दिया,
उसके अंदर में रेडियो दे दिया, अलग अलग तरीके से उसको इम्प्रूव करता चला गया। तो जो भी नया वर्जन आएगा ना उसके अंदर पुराने वर्जन की क्वालिटी तो होगी ही होगी और वो पुराने वाले वर्जन से अपडेटेड वर्जन होगा, इस तरीके से आप ये समझ के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलोलिथिपस जो आता है और जो होमो आते हैं वो दोनों पुराने वाले वर्जन से अपडेटेड वर्जन थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे होमो हैबिलिस आ जाता है जो एक विकसित शाखा के तौर पर देखा गया, जो औजार बना सकता था, औजारों का उपयोग कर सकता था। ये मुख्य रूप से अफ्रीकावासी मनुष्य का क्रमिक विकास के तौर पर माना गया। जो अफ्रीका के लोग थे उसका किस तरह से क्रमिक विकास हुआ, उनका अपडेटेड वर्जन किस तरह से वो धीरे धीरे विकास कर रहे थे, उसका यहाँ पे वो देखा गया। वहीं पे अगर आप बात करोगे इनका जो विकसित चरण था उसको होमो इरेक्टस के नाम से जाना गया, कि होमो जो मतलब आधुनिक मानव था उसका विकसित चरण जो था होमो इरेक्टस के नाम से जाना गया। देखो ऑस्ट्रेलोलिथिपस और होमो का यहाँ पे हम ये देखते हैं कि होमो हैबिलिस को यहाँ पे हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी शारीरिक बनावट के अंदर में कुछ खास विशेषताएं भी हमें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे इनके हाथ फ्री थे चीजों को पकड़ने के लिए, पैर फ्री थे चलने के लिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो चल सकते थे, अलग अलग तरीके से वो कार्य कर सकते थे। साथ साथ में जो इनके कंकाल थे, कंकाल को आप देखोगे तो यहाँ पे लीकी का ये मानना था, लीकी एक इतिहासकार है जो इनके कंकालों के ऊपर में शोध कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, जिन्होंने इनके कंकाल को देखकर ये माना कि संभवतः 50 लाख वर्ष से लेकर 3 लाख वर्ष के बीच में रहेंगे, ये पूरा इनका जो टाइम पीरियड है ये रहा होगा। साथ साथ में इनके कंकाल का कोई निश्चित जो आधुनिक टाइम पीरियड है ना उससे कंपेयर नहीं कर सकते। इनका ये मानना था कि कंकाल निश्चित रूप से आधुनिक थे, आज का जो मानव है ना उससे काफी हद तक मिलता जुलता माना गया, लीकी के अनुसार ये माना गया। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लीकी होमो हैबिलिस की बात कर रहे हैं और होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं। होमो हैबिलिस औजार बना सकता था, वहीं पर जो होमो इरेक्टस था वो उनसे एक अपडेटेड वर्जन के तौर पे देखा गया, उनसे एक कदम और आगे आ जाता है। उसके बाद होमो इरेक्टस की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया होमो हैबिलिस की जो तुलना अगर करते हो तो उसका मस्तिष्क बड़ा था। ठीक है, जो मस्तिष्क का आकार था वो बड़ा बड़ा देखने के लिए मिल जाता था। उनकी हड्डियां भी आधुनिक मानव की तरह बनने लगी थी, जिस तरह आज का जो मानव है जिस तरह उसकी हड्डियां देखने के लिए मिलती है उस तरह की वहां पे होमो हैबिलिस की हड्डियां भी हमें देखने के लिए मिलती थी उसी तरह से उनका। पर अगर आप होमो हैबिलिस को देखोगे उनकी हड्डियां तो मानव की तरह बन रही थी, पर जो आज का आधुनिक मानव है उसकी तरह वो प्रॉपर तरीके से विकास नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद आ जाता है होमो इरेक्टस, जो आगे चल के होमो सेपियंस के तौर पे विकसित होता है, उसका एक नई शाखा होमो सेपियंस बनती है जिसे हम चिंतनशील मानव के तौर पे देखते हैं। पर इसका जो अपडेटेड वर्जन आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वर्जन जिसको हम होमो सेपियंस सेपियंस के तौर पे जानेंगे। अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, समय के साथ में इसका विकास हुआ और इसकी जो शारीरिक बनावट थी उसके अंदर में भी विकास हमें देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर आप होमो हैबिलिस की बात करते हो, होमो इरेक्टस की बात करते हो, इंसान की तरह उनकी हड्डियां तो परिवर्तित हो रही थी पर ह्यूमन के जो चिंतनशील मानव है आज का समय का वो उस तरीके से नहीं बिहेव कर रहे थे। पर वहीं पर होमो सेपियंस थे वो काफी हद तक विकसित देखे गए होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस के मुकाबले में, और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में इनका क्रमिक विकास हुआ, लगातार ये धीरे धीरे विकसित होते चले गए। यूरोप के क्षेत्र में कुछ अन्य क्षेत्रों के अंदर में इनका विकास हुआ। वहीं पर अगर आप यूरोप के अंदर में देखोगे तो वहां पर निरंदर थैलिस करके एक अलग जीव पाया गया, ठीक है, जो मानव से काफी मतलब मिलता जुलता था। ठीक है, जो लगभग 35,000 वर्ष पूर्व उनका जो पूरा नाश हो चुका था, उनका कोई वंशज आगे नहीं देखने के लिए हमें मिलता है, और ये यूरोप तक ही निरंडरथैलिस जो था यूरोप तक ही सीमित था। पर ये जो निरंडरथैलिस का अगर आप बात करोगे तो ये काफी हद तक ह्यूमन के काफी नजदीकी माने गए, जिसके अंदर में काफी सारी सिमिलैरिटी थी ह्यूमन से, पर वो चिंतनशील मानव के रोल पे नहीं चल पाते हैं और 35,000 वर्ष पूर्व इनका निनाश हो जाता है। आगे मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अगला जो शाखा आता है होमो सेपियंस सेपियंस के तौर पे जाना गया। ठीक है, यहाँ पे होमो सेपियंस सेपियंस जो था इनकी आबादी पूरे विश्व भर में फैलती है, प्रौद्योगिकी के तौर पे विकास करते हैं, दोहन का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, जिस तरह से जंगल पे जिस तरह प्रकृति उस पर निर्भर हो जाते हैं उनका दोहन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक आश्रित हो जाते हैं उन सब चीजों के ऊपर में, उनकी जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी चलती है और इनकी प्रजाति जो है होमो सेपियंस सेपियंस आगे चल के अग्रसित होती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, ये होमो सेपियंस सेपियंस है ना, आज का जो मानव है, जो आप हो मैं हूँ और बाकी जो लोग हैं उनको हम होमो सेपियंस सेपियंस के तौर पे जान सकते हैं, उन्हें होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस की प्रारंभिक जो आबादी है होमो सेपियंस सेपियंस यानी आधुनिक मानव के तौर पे देखा गया, जो आज का आधुनिक मानव है वो होमो सेपियंस सेपियंस से ही जन्मा है। ठीक है, हम इनके ही पूर्वज हैं ये बात बोल सकते हो, या हमारे पूर्वज ये हैं होमो सेपियंस सेपियंस। यहाँ पे मैं आगे बात करूं तो आधुनिक मानव का जो विकास है होमोनिड और क्रमिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया थी जो जटिल प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ी। ठीक है, मानव का जो विकास है उनके साथ में कपाल क्षमता भी वृद्धि होती चली गई, जो उनका सर का आकार था धीरे धीरे वो भी बढ़ता चला चला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोलिथिपस का जो मस्तिष्क का आकार था 400 से 500 सीसी के बीच में था, होमो हैबिलिस का जो मस्तिष्क का आकार था 700 सीसी के करीब में था, होमो इरेक्टस का जो मस्तिष्क का आकार था
900 से लेकर 1100 सीसीडी का था। होमो सेपियंस सेपियंस का जो आकार अगर आप देखोगे तो 1250 से लेकर 1450 सीसी का था। वहीं पर अगर होमो सेपियंस सेपियंस का जो अफ्रीका के अंदर में देखोगे आकार मस्तिष्क का, तो 2000 से लेकर यहाँ पे आपको 2 लाख से लेकर 1,30,000 साल पहले का यहाँ पे विकास का क्रम आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर जो मानव आधुनिक मानव का घर देखोगे, तो जो किस तरह से मानव का घर विकास हुआ, अलग प्रक्रिया किस तरह से विकसित हुई, तो 60,000 वर्ष पूर्व के करीब में हमें यहाँ पे दिख जाता है कि किस तरह से मानव का विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रक्रिया मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से मानव विकसित होता चला गया। बस आप ये माइंड में एक इमेज लेके चलो कि आरंभिक मानव जो आया था वो तो इंसान की तरह नहीं था, बंदर की तरह था। किस तरह से वो विकसित होता गया, कौन कौन से स्टेप में विकसित होता गया, और जो मैंने आपको वीडियो रिकमेंड करी है ना, वो एक बार आप जरूर देखें, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। या फिर आप MHI 01 का जो पहला चैप्टर था पुराने वाले सिलेबस का, उसको भी जरूर जाके देखें, उससे भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल में दे रखा था, यहाँ पर हम बट एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन जो ओरिजिन है किस प्रकार से हुआ, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन किस प्रकार का था, सिर्फ हमने उसकी डिटेल में चर्चा करी है। और क्वेश्चन भी यही बनकर आता है कि होमोनिड होमोसेपियंस का किस प्रकार से विकास हुआ, विकास क्रम किस प्रकार का था, इसको बताइए, यही यहाँ पे क्वेश्चन रहता है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट आप सभी व्यूवर से ही करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी आपका सिलेबस है वो हम ट्राई करेंगे कवर करने का। तो अपने वीडियो तक, अपने जो हमारी वीडियो है, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और आपका एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम और आगे अच्छे से मेहनत कर सके और अच्छे से वीडियो बना सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।